हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सभी की दुआ से ठीक हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। सो गाइस सॉरी। तो देखिए, मेरे आज के ब्लॉग मैंने मेकअप शेयर किया है आपके साथ में, तो वो मेरे दूसरे वाले चैनल पर है, तो वहाँ जाके मेरा दूसरा वाला चैनल देख सकते हैं। उसमें वीडियो शॉर्ट वाली डली है, मैं फुल वीडियो अपलोड करूँगी। दूसरा वाला चैनल का नाम है जूही लिप्स द सलोन के नाम से, आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, वहाँ देख सकते हैं। अभी मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है, आप लोगों को पसंद आया नहीं मुझे बताना कमेंट करके। सो ये मैंने चने भिगाए थे, तो देखिए आधे चनों की मैंने सब्जी बनाई है और आधे चने हैं जो उनको मैं फ्राई करूँगी। ये मेरी चाय बन गई है। सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपने पति दीप को नाश्ता और ये खाना बना रही हूँ, तो टिफ़िन लेके जाते हैं, तो इसलिए देखिए मेरा मसाला भून रहा है यहाँ पर, कढ़ाई में मसाला भून रही हूँ मैं। और ये मैंने बॉईल कर लिए हैं चने, काले वाले चने, और ये आलू मैंने छील के साबुत डाले थे क्योंकि अभी आलू जल्दी से हो भी जाते हैं। और इसमें मैंने प्याज डाली थी काट के बस, और नमक डाल के बॉईल कर लिए थे। तो ये देखिए ये मेरी सब्जी बन गई है। ये देखिए आलू चने की सब्जी, काले वाले चने की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, कभी बना के देखिएगा आप। और ये फ्रेंड देखिए मेरे चने बन गए हैं, ये चाय के साथ में चने खाएंगे। तो देखिए इसमें मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्ची डाली है बस, और फ्राई किया है बस, चाय के साथ में ऐसी अच्छे लगते हैं ये। और इनका मैं टिफ़िन भी बनाती जा रही हूँ, तो टिफ़िन लगा दिया मैंने। ये देखिए चावल लेके जा रहे हैं, अभी आज बोल रहे थे रोटी नहीं लेके जाएंगे, तो ये चावल ज़्यादा खाते हैं गर्मी में, इनको तो दोनों टाइम चावल दे दो तो दोनों टाइम ही खा लेंगे। देखिए दोनों टिफ़िन में मैंने चावल रखे हैं और दो टिफ़िन में सब्ज़ी रखी है, और ये चार खन का टिफिन लेके जाते हैं। और अभी तो गर्मी है तो चावल लेके जा रहे हैं, नहीं तो रोटी सब्जी दाल चावल पूरा टिफिन इनको चाहिए, वो भी चार खन का। ये देखिए इनका टिफिन रेडी हो गया है, और मेरा सुबह खाना 9 बजे से मतलब बन जाता है, 9 बजे 9:30 बजे तक चले जाते हैं ये, कभी कभी 10 बजे जाते हैं। तो ये देखिए अभी बाहर मैंने इनको टिफिन दिया, और ये मेरी बेल जो सूख गई थी बाहर, ये मैं दिखा रही हूँ फिर से। इसमें देखिए गर्मी के फूल आते हैं और फिर से हरी हो रही है ये। और ये देखिए ये जा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा दिखाया है इनको बस। ये मेरे कपड़े प्रेस हो गए हैं मम्मी के घर जाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो ये भी ले जाऊं क्योंकि अभी गर्मी वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो मैंने प्रेस करके रख लिए हैं। ये मैंने कब से नहीं पहना था, 2 साल बाद निकाला है इसको, ये ऐसी कैसी रखा था। और एक ये लेके जाऊँगी, एक ये वाला लेके जाऊँगी गर्मी में डेली में पहनने के लिए, एक ये लेके जाऊँगी, प्रेस कर ली मैंने, प्रेस कर एक कपड़े प्रेस करके रख रही हूँ मैं, देव के कपड़े प्रेस करके। प्रेस भी करना पड़ता है, धोना भी पड़ता है, बाहर नहीं कराते प्रेस, घर में ही प्रेस करती हूँ मैं। एक ये मैं लेके जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के लिए, मोनिका डार्लिंग के लिए, मुझे ये अच्छा लग रहा था मैंने उसके लिए रखा है ये। एक मैंने ऐसा अपने लिए भी सिलवाया है, तो एक मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ ये वाला, वो भी मुझे देती रहती है, ये देखो अच्छा लग रहा है ना। और ये मेरी मम्मी के लिए फ्रोजी कलर, वाओ वेस्ट कलर, ये मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ गर्मी के लिए, गर्मी में मम्मी को अच्छा लगेगा ना फ्रोजी कॉटन का। और एक पिंकी ने ऐसा सिलवाया है, मैं सोच रही हूँ ऐसे और तो सब, और तो जितने थे 3-4 कलर वो सारे बिक गए, एक ही ये बचा है, तो ये मैं अपने लिए सिलवाऊँगी। अच्छा लग रहा है ना ये ग्रे, तो देखूंगी टाइम मिला तो सिलवा लूँगी, नहीं तो एक और अभी बोल रही थी कि इसको रखना मैं आके ले जाऊँगी, अगर वो ले गई तो ठीक है, नहीं तो रहेगा तो मैं फिर बाद में सिलवाऊँगी वहाँ से आने के बाद। और एक और है ये वाला, मैं सोच रही थी ये वाला भी मम्मी के वो लेके जाऊँ क्योंकि कॉटन के मम्मी को अच्छे लगेंगे ये वाले, ये भी मम्मी के लिए ईद में पहन लेंगी, सॉफ्ट रहते हैं ना, चुभते नहीं है ज़्यादा और एकदम मुलायम रहते हैं, अच्छा भी है, तो ये भी मम्मी के लिए लेके जा रही हूँ। ये देखो फोटो इसका, मेरी मम्मी के लिए दो लेके जा रही हूँ, एक ये और एक ये। और ये रखें इतने सारे, ये तो सब मेरे सेल करने के लिए रखें। सो फ्रेंड मैं अभी नहा के आ गई हूँ, मैंने कहा चलो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ मेरा डेली रूटीन, नहाने के बाद मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो ये अभी मैंने यूज़ किया है टोनर, तो टोनर स्प्रे करने के बाद मैं ये देखिए मैंने छोड़ दिया है, कम से कम 10-15 मिनट आपको छोड़ना है ऐसे ही, टोनर आपकी स्किन को टोन करता है और समर में सबसे बेस्ट है। फिर मैंने ये देखिए क्रीम लगाई है हल्की सी, ये मैंने छोटी सी ली है क्योंकि अभी डेट एक्सपायर हो जाती है, और ये वाली क्रीम मैं बस थोड़ी सी क्वान्टिटी में लगाई थी, और हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, ये मेरा हो गया बस, इसके बाद मैं कुछ नहीं लगाती हूँ ज़्यादा। और ये देखिए बस आ गए हैं, कहाँ से आए और शान बताओ जल्दी से,
हेलो कर लो, ऐसे कर लो सबको, हेलो कर दो, हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो, जल्दी जल्दी कर दो। क्या है ये बताओ जल्दी से, क्या है आपके पास जल्दी बताओ। कौन सा वाला चाहिए? ये वाला, ये वाला, ये नहीं, ये वाला, ये वाला। एक तोड़ना बस, तोड़ लिया। वाह, दिखाओ दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, दिखाओ अरजान, इधर दिखाओ। मीठा है, कैसा है? अरे अरशान ने देखो जरा ऑरेंज तोड़ लिया, और एक ऑरेंज ही ये पड़ा है। कैसा है अरशान, कैसा है? बस अम्मी अम्मी फ्रेंड, मैं ये देखिए मैं खड़ी हूँ, तो मैं ये वेट कर रही हूँ स्वाति का। स्वाति आने वाली है, उसको कुछ लेना था, तो बोली थी दीदी थोड़ा सा आ जाओ मुझे कुछ लेना है, तो मैं उसी को दिलाने के लिए गई हूँ, उसी का वेट कर रही थी एक चौराहे पे मिलने के लिए, उसने बोला था। देखिए स्वाति है, अपने लिए ड्रेस देख रही थी, और वो मुझे बोलती है मेरे साथ में जाती थी, दीदी आप अच्छा दिलाते हो, तो मैंने कहा चलो ठीक है दिला देती हूँ, तो उसी को दिलाने के लिए शॉप पर गई थी। फ्रेंड अपने इस ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ, आगे का ब्लॉग आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूँगी, तो बने ही रहिए मेरे। इस ब्लॉग को पूरा देखिए प्लीज़, पूरा वॉच करे करिए, और आगे का ब्लॉग जो नेक्स्ट ब्लॉग है आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूँगी। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।